हाय फ्रेंड्स, बच्चों हम महाकवि भारवि द्वारा रचित किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा श्लोक इस प्रकार से है, से किन सखा साधु न शास्ति यो अधिपम हितात न यह संश्रुणुते सह किम प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेष्वमात्तेषु च सर्वसंपद है। यह अधिपम साधु न शास्ति सह किन सखा भवति, पुनः यह हितात न संश्रुणुते सह किम प्रभु वर्तते हि सदानुकूलेषु नृपेषु अमातेषु च सर्वसंपदः रतिं कुर्वते। बच्चों, बड़ी ही सुंदर सूक्त यहाँ पर कही गई है। शब्दार्थ कर लेते हैं, सह वह किन सखा कुछ सितह सखा कर्म धारे समास साधु उचित ने नहीं शास्ति उपदेश देता है यो अधिपम जो राजा को। यो अधिपम में बच्चों संधि है, यह धन अधिपम, यहाँ विसर्गों का पहले रू हुआ, रू का ऊ शेष रहा, फिर यह ऊ धन अधिपम यह स्थिति बनी, फिर यहाँ यो हुआ गुण संधि हुई और यहाँ पूर्व रूप संधि होकर के अधिपम ये बना बच्चों। ठीक है बच्चों, हितात पंचमी विभक्ति एक वचन, हित शब्द है बच्चों। सबसे पहले हित किस प्रकार से बना है मैं आपको बता देती हूँ। धा धातु अक्तय प्रत्यय करने से हित बना तथा हित में अच यह प्रत्यय करने से हितह बना। ठीक है, और हितह का अर्थ होता है हित की बात कहने वाला, हितैषी। हित की पंचमी हितात होती है, हितात अर्थात उपदेशक से, हित की कामना करने वाले से। न संश्रुणुते नहीं सुनता है बच्चों, यहाँ पर हितात में आख्यातोप योगी सूत्र का प्रयोग होकर के पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कारक प्रकरण पढ़ाते हुए मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था, आख्यातोप योगे, जिससे ज्ञान ग्रहण किया जाता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हितात में संश्रुणुते इसके कारण यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यह जो व्यक्ति, सह किम प्रभु, वह किम प्रभु कुछ सितह प्रभु बुरा राजा, सदानुकूलेशु पहले तो यहाँ दीर्घ संधि है, सदा धन अनुकूलेशु सदैव अनुकूल रहने वालों में, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, नृपेषु राजाओं में, अमातेषु और मंत्रियों में ही, क्योंकि सर्व संपद है। यह पद बच्चों बहुवचन है। ठीक है, बहुवचन कैसे बना, ये बना संपद संपदौ संपद है, कुरुते कुर्वाते कुर्वते। ठीक है, तो सर्व संपद है कुर्वते, किम कुर्वते रतिम कुर्वते, प्रेम करती है अनुराग रखती है। वनेचर राजा युधिष्ठिर से संवाद करते हुए वार्तालाप करते हुए राजा तथा मंत्री की विशेषताओं का वर्णन कर रहा है। सेवक को चाहिए कि वह अच्छा देखे या बुरा देखे, जैसा भी आचरण वह शत्रु राजा का देखे, उसका कर्तव्य बनता है कि वह सर्वप्रथम आकर अपने स्वामी के समक्ष सही बात रखे। राजा तथा मंत्री दोनों के मध्य में परस्पर वार्तालाप करते हुए एक दूसरे की बात को समझकर सदा अनुकूल निर्णय लेने चाहिए, इसी बात को वनेचर इस प्रकार से कह रहा है। यो अधिपम साधु न शास्ति, जो सेवक
यह जो मंत्री राजा को सही उपदेश नहीं देता है सह किन सखा भवती, वह राजा का बुरा मित्र होता है, कुत्सित मित्र होता है। कथा आएगा बच्चों यहाँ पर, यह प्रभु जो स्वामी हितात न संश्रुणोते, हित करने वाले सेवक को या मंत्री को नहीं सुनता है, हितोपदेशक को नहीं सुनता है, वह किम प्रभु, वह बुरा स्वामी होता है। क्योंकि सदैव अनुकूल राजा तथा मंत्रियों में ही समस्त संपदाएं प्रेम करती है, अनुराग करती है। बच्चों रति के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। राजा तथा मंत्री को एक दूसरे को अच्छी प्रकार से सुनना चाहिए तथा मिलकर के परामर्श करना चाहिए। और जहाँ पर संवाद होता है, जहाँ पर बात करके निर्णय लिया जाता है, एक दूसरे की सहमति से निर्णय लिया जाता है, वहीं पर ही समस्त संपदाएं अनुराग करती है। अर्थात ऐसे राजा का राज्य ही सुख और वैभव से संपन्न होता है, जहाँ राजा और मंत्री मिलकर के निर्णय लेते हैं। बच्चों इसके माध्यम से एक छोटी सी शिक्षा भी मिलती है कि हमें परस्पर संवादहीनता नहीं रखनी चाहिए। जब हम अपनों से कोई वार्तालाप करते हैं तो उस वार्तालाप को सहज तथा प्रकृतिस्थ होकर के एक दूसरे को सुनना चाहिए तथा हमें मिलकर के उचित निर्णय करना चाहिए। चलो संस्कृत व्याख्या देख लेते हैं। यह अमात्य मंत्री वा सखा वा स्वामिनम परिणाम हित करम नोपदिशति सह कुत्सितम मित्रम वर्तते। यहाँ वह के साथ मित्रम, क्योंकि मित्र नपुंसकलिंग होता है इसलिए कुत्सितम मित्रम कहा गया है, तथा यह स्वामी हितोपदेशकात् हितकारी वचनानि न शृणोति, सम्यक रूपेण न शृणोति, सह कुत्सितो राजा भवति। यतः अन्योन्यानुरक्तेषु नृपेषु मंत्रीषु च सकल संपत्तेः अनुरागं कुर्वन्ति। बच्चों समझ में आ गया, परस्पर सहज भाव होकर के निर्णय लेने चाहिए। प्रस्तुत श्लोक में बच्चों अर्थांतर न्यास अलंकार है तथा वंशस्थ छंद है। ठीक है, अब इससे आगे का अध्ययन हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। थैंक यू बच्चों।